कांता साहब एक ऐसी शख्सियत है जो गांधीवादी टाइप में है, जो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक जेएच पाटिल अवार्ड दिया गया था, उसी की खुशी में गुलबर्गा के चप्पल बाजार एसोसिएशन की जानिब से उन्हें उनके दुकानों के पास बुलाकर यहां पर सम्मान किया गया। जेएच पाटिल अवार्ड मिलने के उसकी खुशी में आज तमाम ये लोग सुपरमार्केट में बुला के कांता साहब का फेलिसिटेट किए। एक्स लेबर मिनिस्टर एसके कांता साहब को बुलाए थे उनको सम्मान करने के लिए, जो जीएच पाटिल अवार्ड से उनको नवाजा गया था। आज उस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए उनको सम्मान किए हम फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से। This video present by Mannur Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hill Circle Ring Road, Gulbarga. वो रमजान का ईद रहने दो या कोई फंक्शन रहने दो, आप मुझे हम यहाँ बुलाकर बहुत इज्जत देते हैं। मैं इस इज्जत जो देते हैं वो भाईचारा का कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, इंसान सब एक ही है। हम बड़े और छोटे ये जो करे सो है वो हम लोगों ने की, बड़े लोगों ने जो काम नीचे तबके में नहीं होता तो कोई ऊंचा नहीं पड़ता। आज मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिल्डिंग बनाए सो है, कोई इंजीनियर आकर बनाता नहीं, कोई इंजीनियर जो है ये पत्थर उठाकर काम नहीं करता। ये काम करने वाले लोगों को हम इज्जत नहीं देते। नीचे तबका नहीं है, पाँव नहीं है तो सर कहाँ है? पाँव पर ठहरा हुआ है ये सर, और हम इज्जत सर को देते लेकिन पांव को दबा देते। आज चलना है तो हम पांव से चलना पड़ता है, तो ये सर से नहीं है। तो ये देश में सबसे ज्यादा महत्व मर्यादा हम घंटी बजाने वालों को, मौला मुल्ला को, वो जो दिखते नहीं उनका याद करते हैं, जो हमारे सामने अब यहाँ फूल बेच रहे हैं, फूल को कौन बनाते हैं? किसान दिन रात काम कर कर पानी देकर वो फूल लाते हैं, तो यहाँ मार्केट में नीचे बैठकर बेचते हैं और हम यहाँ स्टेज पर हाथ डाल लेते हैं। हम बड़े बनते वो छोटे होते, तो ये देश में छोटा कौन है? नीचे तक नीचे कौन है? जो मेहनत करता है वो छोटा है, जो खाना किसान खाना देता है वो छोटा बनता है, जो बैठकर खाता है वो बड़ा हो गया। ये देश कभी सुधरने वाला नहीं है। जनाब कांता साहब को स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से जेएच पाटिल अवार्ड से नवाजा गया, तो उसकी खुशी में
फुटवेयर एसोसिएशन की जानिब से कांता साहब को यहाँ पर बुलाकर शॉलपोशी किए हैं। जहाँ पर जमीनें गुंडागर्दी कर कर कब्जा की जाती थी, वहाँ पर गरीबों का हक दिलाने के लिए कांता साहब अगर आगे आकर उनको बचाने का काम करते थे। ये चप्पल की दुकानें उठाने का काम यहाँ पर, जबकि कमिश्नर साहब बिल्डोजर लगाने का काम कर रहे थे, ये दुकानों को पीछे शिफ्ट कर कर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर दुकान देने की बात कर रहे थे। ये दुकानों वालों के साथ मटन के शॉप भी यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे। वैसे चीजों को रुका कर आज मैं समझता हूँ कि ये पूरी लाइन को बचाने का काम कांता साहब किए हैं। आपकी हर ऑफिस में आपकी जहाँ पर जरूरत पूरी होती है वो काम करने का कांता साहब काम करते हैं। फुटवेयर एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसके कांता साहब को जहेज पटेल अवार्ड मिलने की खुशी में इस प्रोग्राम को रखा। तो तमाम गुलबरे की आवाम की तरफ से इसके कांता साहब को मुबारकबाद देता हूँ और जो सामने बैठे मौजूद मेरे भाइयों को और स्टेज पर दस्ती फरमान लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेचारे तुम लोग, ये लोग बुलाकर हमको इज्जत दिए, वो शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका बड़ा पना है मुझ जैसे आदमी। मैं स्पेंट फोर्स हूँ, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं कोई इसमें नहीं हूँ। मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत देकर पुराने यादें करें, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज यहाँ पे सुपरमार्केट में, चप्पल बाज़ार में, फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से और हमारे कॉर्पोरेटर अलमदार जैदी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से आज यहाँ पे कांता साहब का फेलिसिटेटेड प्रोग्राम रखा गया था। उनको जेएच पटेल अवार्ड मिलने के उसकी खुशी में आज तमाम ये लोग सुपरमार्केट में बुला के कांता साहब का फेलिसिटेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को भी बुला के फेलिसिटेट किए। मैं शुक्र अदा करता हूँ पूरे फुटवेयर वालों का। ऐसा अजीम और शान एक प्रोग्राम रखे थे, जो कि कांता साहब एक ऐसी शख्सियत है जो हर गुलबर्गा का व्यक्ति जानता है, हर पर्सन जानता है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एंटायर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के जानते हैं कि कांता साहब की अजीम शख्सियत क्या है। कांता साहब एक ऐसी शख्सियत है जो गांधीवादी टाइप में है, जो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। मैं कांता साहब को बहुत बार बोला हूँ, साहब आप क्या है मालूम, ये इस भ्रष्टाचार सरकार में आप देख रहे हैं, आप गांधी जी के पीरियड में रहना था, ये आप नहीं रहना था। बोलकर बहुत बार बोलता हूँ, मैं कई बार बोला कि इलेक्शन लड़ने के, लास्ट टाइम पिछले इलेक्शन भी लड़ने के लिए बताया था, तो साहब बोले मैं जो जातिवादी है मैं उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ूँगा और ना मेरे पास पैसा है लड़ने के लिए। आज ऐसे आदमी को हम पीछे रख के आज हम परेशान हैं। आने वाले 2023 में हम ऐसे आदमी को लिखाएंगे आगे, या हम उन्हों जैसा बोले हम आज मिलके उनके लिए काम करेंगे, तो 2028 आने वाला इंशाल्लाह हमारे लिए सब बेहतर हो और ये करप्शन ख़त्म हो और ये बीजेपी सरकार ख़त्म हो। तो आज चप्पल बाज़ार एसोसिएशन की जानिब से जनाब एस के कांता साहब, जो हमारे स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर थे और गुलबर्गा से एमएलए भी थे, उनको कर्नाटका चीफ मिनिस्टर अवार्ड जेएच पाटिल अवार्ड मिलने की खुशी में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक जेएच पाटिल अवार्ड दिया गया था। उसी की खुशी में गुलबर्गा के चप्पल बाज़ार एसोसिएशन की जानिब से उन्हें उनके दुकानों के पास बुलाकर यहाँ पर सम्मान किया गया। एक खुशी का मौका है कि हमारे गुलबर्गा से कांता साहब को खासकर इस अवार्ड से नवाजा जाना, ये गुलबर्गा के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसी की खुशी में गुलबर्गा में चप्पल बाज़ार एसोसिएशन की जानिब से उन्हें बुलाकर यहाँ पर सम्मान किया गया, उनके पुराने बातों को याद किया गया, फिर उन्हें भी उनके ख्यालात इजहार करने का मौका दिया गया। जो हमको मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह सुनने के बाद और से बहुत सारे चीज़ें जो कांता साहब के लिए हम सुनते थे, आज उन्हीं की ज़बान से सुनने में खुशी हुई है। और मैं समझता हूँ कि तमाम एसोसिएशन वाले भी उस बात को जानते हुए ही उनको यहाँ पर बुलाकर इतना बड़ा प्रोग्राम किए हैं। यहाँ पर
साजिद कल्याणी साहब को भी, कॉर्पोरेटर साहब को भी बुलाए हैं, मुझे भी बुलाए हैं, तमाम दीगर अफराद को यहाँ पर बुलाकर एक बेहतरीन प्रोग्राम किए हैं। मैं मेरी जानिब से और तमाम मेरे दोस्तों की जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ फुटवेयर एसोसिएशन की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर साजिद कल्याणी साहब भी हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू होगा कॉर्पोरेशन की जानिब से तो इंशाल्लाह आप हमें याद करिए। सबसे पहले यहाँ पर साजिद कल्याणी साहब और हम बिल्कुल आपके खांदे से खांदा मिलाकर आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आज यहाँ पर हमारी फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से हम जनाब एक्स लेबर मिनिस्टर यस्का कांता साहब को बुलाए थे उनको सम्मान करने के लिए, जो GH पाटिल अवार्ड से उनको नवाजा गया था। आज उस खुशी के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए उनको सम्मान किए हम फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से, और साथ में जनाब असलम कल्याणी साहब भी शिरकत फरमाए थे, उनके फर्जन 27 वाट के साजिद कल्याणी साहब कॉर्पोरेटर उन्होंने भी शिरकत फरमाए थे, और 24 वाट नंबर 24 से आलम जैदी साहब भी शिरकत फरमाए थे। और ये जितने भी लोग आए थे उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी लोग इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाए थे उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे एसोसिएशन के बड़े शख्स जुम्मेदारान जो इससे पहले बहुत हमारे यूनियन को मेहनत करे हैं, मरहूम कासिम बाबू मियाँ साहब जो इतना बड़ी शिद्दत से काम करते थे यूनियन के लिए हमारे, और हमारे गणमंत राव हकीम साहब भी बहुत, और अब्दुल रहमान साहब, बड़े बड़े जो यहाँ पे, और जनाब सलाम अब्दुल सलाम साहब, ये भी जो लोग हैं बहुत अपने यूनियन को दिल से मेहनत करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये बस उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।